आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम में बात करूंगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रिश्तों में चल रही तल्खियों को लेकर। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि एसपी और बीएसपी का गठबंधन लगभग अब टूट चुका है, तो इसी बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव जा सकते हैं। और शिवपाल सिंह यादव नहीं बल्कि अखिलेश यादव खुद शिवपाल सिंह यादव के पास जा सकते हैं। और ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव जो कोशिश कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव को एकजुट करने के लिए, इस मौके पर चाचा और भतीजे एक हो जाएं। जी हाँ, जिस तरह से मायावती ने प्रेस मीडिया से बात करके अपनी बातों को रखा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में सुधार की गुंजाइश है, अगर अखिलेश यादव ये करने में कामयाब होते हैं तो हम गठबंधन में रहेंगे, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में 11 सीटों पर विधानसभा जो वहाँ पर चुनाव थे, उपचुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो इन सीटों पर जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं, तो ऐसे में अब इन सीटों पर फिर से बाई इलेक्शन होंगे। अब ऐसे में 11 सीटें हैं, एसपी बीएसपी का साथ था लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र, लेकिन अब मायावती को ऐसा लगता है कि अगर वो सपा के साथ ज़्यादा दिन तक रहीं तो शायद उनका बेड़ा गर्क हो सकता है। लेकिन एसपी को लगता है कि अब वो भी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि मायावती के बयान के बाद अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि हम भी अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये भी कहा कि साल 2022 में जब इलेक्शन होंगे, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, तो उस वक्त हमारी सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब देखिए किस तरह से बुआ और बबुआ एक साथ नज़र आए थे, ये वही अखिलेश यादव हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि बुआ का अपमान सपाइयों का अपमान होगा और बुआ का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वही मायावती हैं जिन्होंने कहा था ये गठबंधन बहुत लंबा चलेगा और स्थायी है और इसके टूटने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन देखिए कथनी और करनी में कितना अंतर है, वक्त के साथ सब कुछ चीज़ें बयां हो जाती हैं और वक्त आ गया है कि मायावती भी बदल गई हैं और अखिलेश यादव भी बदल गए। हालांकि इसमें जो अगर हम देखा जाए तो मायावती ने शुरुआत की है और अखिलेश यादव शायद अब उसका खात्मा करेंगे। चलिए, अब 11 सीटों का जो उपचुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, उसमें भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, अब इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से अखिलेश यादव शायद अब अकेले पड़ गए हैं, मुलायम सिंह यादव ने पहले ही कह दिया था कि मायावती के साथ गठबंधन मत करो, क्योंकि मायावती के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान हो सकता है और वही शायद खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा है। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव अब एक साथ आ सकते हैं और ये सटीक मौका भी है। इसके पीछे की वजह है कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, खुद शिवपाल सिंह यादव भी अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं और अखिलेश यादव के साथ वो जा सकते हैं और मुलायम सिंह की बातों को वो मान भी सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको बता दूं कि बीते साल ही उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाकर वो बहुत जोर से लबरेज थे। उन्हें ऐसा लगा था कि मैं नई पार्टी बना रहा हूँ, बहुत बेहतर प्रदर्शन करूँगा, लेकिन आपको बता दूं कि प्रदर्शन उनका शून्य मात्र रहा लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में शायद वो भी अगर मंथन का अपनी हार का कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, तो उन्हें भी इस बात का एहसास है कि वो अकेले अपने दम पर कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी में उनका एक अस्तित्व हुआ करता था क्योंकि मुलायम सिंह यादव से उनका नाम जुड़ा था। हालांकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह यादव इतने डिप्लोमेट थे कि ना बेटे का साथ छोड़ पाए और ना ही भाई का साथ छोड़ पाए। अब ऐसे में एक रास्ता बचता है, बीच का रास्ता बचता है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आई हैं हार की वजह सामने आई हैं समाजवादी पार्टी की, जो इतना बुरा रेशियो देखने को मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवपाल सिंह यादव भी कहीं ना कहीं इसमें मुख्य वजह बताए जा रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव की वजह से वोट जो है डाइवर्ट हो गए और वोट का जो बंटवारा हुआ वो बीजेपी के खेमे में जाकर हुआ। और ऐसे में मायावती ने जो आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पर, उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि यादव बहुल इलाके में समाजवादी पार्टी को यादवों ने वोट नहीं दिया तो फिर हमें कैसे वोट देते, ये सबसे बड़ी बात है। और ये बात उन्होंने दो सीटों को लेकर कही है, एक है धर्मेंद्र यादव की सीट को लेकर और दूसरी डिंपल यादव की सीट को लेकर। डिंपल यादव जो लगातार कन्नौज से 2 बार सांसद रह चुकी हैं, इस बार वो भी शायद जीतना चाहती थी, लेकिन देखिए वो अपनी सीट बचा तक नहीं पाए। इसके अलावा बात करते हैं फिरोजाबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, यानी फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ पर अक्षय यादव जो कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से,
उनके बेटे यहाँ से मिसाल 2014 में सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में उनके हाथों से सीट खिसक गई क्योंकि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव उनके खिलाफ खड़े हो गए। और अगर वोटों का अंतर देखा जाए तो जो शिवपाल सिंह यादव को वोट मिले हैं, अगर शिवपाल सिंह यादव खड़े होते तो, और अक्षय यादव खड़े ना होते तो शिवपाल सिंह यादव भी जीत सकते थे, और अगर अगर यहाँ पे अक्षय यादव खड़े थे तो शिवपाल सिंह यादव ना खड़े होते तो शायद अक्षय यादव भी जीत सकते थे। हालांकि हालात तब होते जब शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में होते, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव को तो 1 लाख से कम वोट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो वोट, अगर उनका वोटिंग रेशियो देखा जाए, उनके जो उनको जो वोट मिले हैं अगर उसको अक्षय यादव के वोट में जोड़ा जाए तो अक्षय यादव यहाँ से सांसद बन सकते थे, लेकिन अब उन्हें 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। चलिए फिरोजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं जिक्र कर रही हूँ तो बताती हूँ आपको कि आखिर क्यों शिवपाल सिंह यादव भी मजबूर हो सकते हैं अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए, और आखिर चाचा भतीजे का मिलाप कैसे हो सकता है और किन किन बातों के तहत हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि शिवपाल सिंह यादव को जो वोट मिले थे फिरोजाबाद में इस बार वो थे 91,689, अक्षय यादव को जो वोट मिले थे 4,67,038, और बीजेपी के जो नेता हैं जो यहाँ से वर्तमान में सांसद चुने गए हैं डॉक्टर चंद्रसेन जाडोन, उनको मिले थे 4,95,819 वोट। यानी अक्षय यादव यानी कि एसपी और बीजेपी के वोटों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये जो शिवपाल सिंह यादव ने बीच में जो यहाँ पे खेल बिगाड़ा है इस वजह से शायद अक्षय यादव यहाँ से जीतने में असफल रहे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अब बीजेपी के पाले में गेंद चली गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब अक्षय यादव तो अब वहाँ से अब सांसद बनने का सपना अब शायद 5 साल बाद ही बुनेंगे, लेकिन हाँ शिवपाल सिंह यादव भी बैठे बैठे यही शायद सोच रहे होंगे कि आखिर उनको पार्टी बनाने से फ़ायदा हुआ क्या। वो अखिलेश यादव से उनकी गर्माहट थी, उनकी तलखियाँ थी, अखिलेश यादव को सबक सिखाना चाहते थे इसलिए, या फिर वो खुद को साबित करना चाहते थे कि मेरा संगठन स्तर पर कितना मजबूत जो है इस तरह, और मेरे बिना समाजवादी पार्टी है कुछ नहीं। और जाहिर सी बात है कि संगठन स्तर पर अगर शिवपाल सिंह यादव की बात कही जाए तो शिवपाल सिंह यादव की पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन ये पकड़ वो अपनी पार्टी के लिए नहीं कर पाए। लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी में होते, उसके लिए काम करते, जाहिर सी बात है इस बार समाजवादी पार्टी का जो वोटिंग रेशियो से लेकर जो सीटें हैं वो कुछ ना कुछ तो बेहतरीन होती है। और शायद अखिलेश यादव को उसके बारे में बात करने में शायद इतना दुख नहीं होता, क्योंकि 5 की 5 सीटें तो 2014 में भी थी और 2019 में भी थी, आपने क्या कर लिया। लेकिन हाँ, मायावती ने आपसे बेहतर प्रदर्शन कर लिया, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अब शिवपाल सिंह यादव पर नजरें हैं, अखिलेश यादव की भी हो सकती हैं और मुलायम सिंह यादव की बात भी वो मान सकते हैं, क्योंकि उनको लगातार अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव समझा रहे थे कि तुम गठबंधन मत करो, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की नहीं सुनी। चलिए, उन्होंने एक अनुभव कर लिया मायावती के साथ काम करके, और उन्हें अनुभव करके इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आखिर मायावती कितनी दूर की चीज़ है। और शिवपाल सिंह यादव ने पहले कहा था कि मायावती किसी की सगी नहीं है, शिवपाल सिंह यादव का स्टेटमेंट सामने आया था जब गठबंधन सामने आया था सपा बसपा का, तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि मायावती किसी की सगी नहीं है। आप देखिएगा जैसे ही जनादेश सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगा, मायावती कैसे यू टर्न लेंगी, और शायद शिवपाल सिंह यादव की बात साबित हो रही है सच। और बीजेपी ने भी कहा था कि ऐसा ही करेंगी मायावती, जो कि अब खुद जमीनी धरातल पर सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब मजबूरी शिवपाल सिंह यादव की भी है कि फिरोजाबाद से खुद को जिताने, वो मुखिया हैं अपनी पार्टी के, वो खुद हार गए बतौर सांसद। आप सोचिए, सांसद का उन्होंने चुनाव लड़ा और वो सांसद का चुनाव नहीं जीत पाए, हालांकि वो जसवंत नगर से अभी भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। वहीं अखिलेश यादव का आजमगढ़ से जीतना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन वो फिर भी जीत गए, उन्होंने निरहुआ को वहां से हरा दिया। और मार्जिन अगर देखा जाए निरहुआ और अखिलेश यादव का, तो जितने वोटों से जितने वोट दिनेश लाल निरहुआ को मिले हैं, दिनेश लाल यादव को, वो उन्हीं वोटों से 2014 में मुलायम सिंह यादव को फतह यानी कि सफलता हासिल हुई थी। तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव से ज़्यादा वोट मिले हैं, इस बात पर कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, निरहुआ और अखिलेश यादव के वोटों में ज़्यादा अंतर भी नहीं देखा जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं हारते हारते बच गए अखिलेश यादव आजमगढ़ से। तो आप सोचिए किस तरह से कांटे की टक्कर देखने को मिली आजमगढ़ की सीट पर। और ऐसे में अब अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कम से कम 11 सीटों पर जो बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें बेहतरीन किया जाए। अब उसमें बेहतरीन करने के लिए उन्हें संगठन स्तर को मजबूत करना पड़ेगा, उन्होंने अपनी खामियों पर भी गौर किया होगा, उन्होंने मायावती का भी बयान सुना है। जाहिर सी बात है मायावती उनके साथ नहीं है और मायावती का साथ अब वो लेना भी नहीं चाहेंगे। और ऐसे में अब कुल मिलाकर बात ये खुलकर सामने आ रही है कि शायद अब मायावती, माफ़ी चाहूँगी मैं, अब शायद शिवपाल जो हैं अखिलेश यादव के साथ आ जाएं, और अखिलेश
खुद से भी पहल कर सकते हैं, क्योंकि वो भतीजे हैं और शिवपाल उनसे रिश्ते में बड़े हैं, उनके चाचा हैं। तो ऐसे में हो सकता है भतीजे चाचा के पास जाएं और फिर शायद मिलन हो जाए चाचा और भतीजे का। और ऐसे में मुलायम सिंह के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी की जो दुर्गति हो रही है बीते 10 सालों से, 2014 के बाद से ऐसा लग रहा है कि शायद गृह नक्षत्र समाजवादी पार्टी के बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। और ऐसे में शायद किसी ने यकीन नहीं किया था कि 2014 जैसा परफॉर्मेंस इस बार सपा का देखने को हमें मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल अब इस तरह की पूरी तस्दीक हो रही है, संकेत मिल रहे हैं, और आने वाले दिनों में ऐसी खबर आ सकती है कि शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव का हो गया है मिलन, और ऐसे में चाचा भतीजे हो गए हैं एक। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि शिवपाल सिंह यादव को अगर मनाने में कामयाब होते हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बात मानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि निस्संदेह 11 सीटों पर जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उस इन उपचुनावों में भी हमें ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और सबसे ज़बरदस्त मुकाबला तो हमें बुआ बुआ के बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि गठबंधन अभी भी टूटा है, यानी कि घाव अभी ताज़ा है, और देखना है कि इस पर मरहम कैसे लगता है। नमस्कार।